एक ऐसा कैमरा जो स्पाइडरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए मैच का हाल दिखाता है। क्रिकेट में कैसे हुई वर्चुअल रियलिटी की एंट्री और आखिर कैसे मेजर करते हैं बॉल्स की स्पीड, जानेंगे क्रिकेट मैच में यूज होने वाली सारी टेक्नोलॉजी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल के क्रिकेट मैचेस में क्राउड भर भर के आता है, ऊपर से गाने, प्रेजेंटर की आवाज और भी बहुत कुछ चलता रहता है। अब अगर बॉल बैट की थिन एज लेकर निकल जाती है तो अंपायर को कानो कान खबर नहीं होती। ऐसे में अंपायर्स की मदद करता है स्निकोमीटर। ये वही माइक है जो स्टंप्स के पीछे लगाया जाता है और थिन एज की आवाज रिकॉर्ड करता है। इसके लिए साउंड फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है। ये माइक्रोफोन छोटी से छोटी नॉइज को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद इस नॉइज को सॉफ्टवेयर्स की मदद से फिल्टर करके बैट की एज का साउंड निकाल लिया जाता है और फिर उस वीडियो सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है। यहाँ आपने देखा होगा कि रिप्ले को बहुत स्लो मोशन में दिखाया जाता है, जिससे कि अंपायर हर फ्रेम में हुई एक्टिविटी को क्लियरली देख सके। इसके लिए मैदान में कई जगहों पर सुपर स्लो मोशन कैमरा लगाए जाते हैं जो फुटेज को कैप्चर करके सुपर स्लो मोशन फॉर्मेट में दिखाते हैं। बैट की एज को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक और गजब की टेक्नोलॉजी देखी होगी जो है हॉटस्पॉट। इसके लिए ग्राउंड की ऑपोजिट साइड्स पर साइड स्क्रीन के पास दो कैमरा लगाए जाते हैं। जब कोई बॉल बैट्समैन के बैट या पैड से टकराती है तो इससे उस एरिया में थोड़ी हीट क्रिएट होती है और ये कैमरास उसी हीट को ट्रेस कर लेते हैं। इंफ्रारेड में इस इमेज को देखने पर हमें ज्यादा हीट वाले एरिया पर व्हाइट स्पॉट दिखता है, जिसको देखकर अंपायर को पता चल जाता है कि बॉल कहां पर टकराई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक क्रिकेट मैच में हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का यूज करने का खर्च 3 से 4 लाख रुपए होता है। इसीलिए इसका यूज सिर्फ बड़े मैचेस में किया जाता है। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि मैच के दौरान अंपायर्स को इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? मतलब एक ओवर की कितनी बॉल्स हो चुकी हैं, कितने ओवर्स फेंके जा चुके हैं और कितने रन्स बने हैं। इसके लिए अंपायर एक डिवाइस का यूज करता है जिसे हम अंपायर क्रिकेट काउंटर कहते हैं। पहले अंपायर्स कुछ ऐसा डिवाइस यूज किया करते थे, पर मॉडर्न जमाने के साथ अंपायर क्रिकेट काउंटर भी एडवांस्ड हो चुका है और अब ये कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, आईपीएल के कई मैचेस में आपने अंपायर के सर पर कैमरा लगा हुआ भी देखा होगा। इस कैमरा की मदद से हम अंपायर की नजर से क्रिकेट के मैच को देख सकते हैं, लेकिन इससे मैच में काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। वैसे मैच में असली डिस्टर्बेंस तो बारिश क्रिएट करती है, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। क्रिकेट को हमेशा से ही खुले मैदान में खेला जाता है क्योंकि अक्सर बॉल हवा में काफी ऊपर चली जाती है, पर बारिश के खतरे को देखते हुए हमने क्रिकेट मैचेस में डोम्ड स्टेडियम्स का कॉन्सेप्ट भी देखा है। साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्थित डॉकलैंड स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में डोम्ड स्टेडियम में हुआ एकमात्र मैच है। इस स्टेडियम में बीबीएल के कुछ मैचेस भी खेले गए हैं। वैसे आपको बता दूं कि गुजरात के सूरत में दुनिया का पहला डेडिकेटेड क्रिकेट इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है और आने वाले सालों में हम वहां पर मैचेस जरूर देख पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि डोम्ड स्टेडियम में खेलते समय लाइटिंग का स्पेशल इंतजाम भी करना होगा। अब बात चली है लाइटिंग की, तो आपने टेस्ट मैचेस के दौरान अक्सर अंपायर्स को लाइट कंडीशंस चेक करते हुए देखा होगा। इसके लिए अंपायर्स के पास एक लाइट मीटर होता है। क्रिकेट के मैदान पर खराब लाइट कंडीशंस बैट्समैन को खासा परेशान कर सकती हैं। और जरा इमेजिन करो कि कोई शोएब अख्तर जैसा बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और बॉल ढंग से दिखे ही ना, तो बैट्समैन की तो डर के मारे हालत पतली हो जाएगी। शोएब अख्तर वही बॉलर हैं जिनके नाम क्रिकेट हिस्ट्री की फास्टेस्ट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड है। अब ये सोच रहे होंगे कि बॉल की स्पीड कैसे चेक होती है, तो बॉल की स्पीड मेजर करने के लिए स्पीड गन या रडार गन का यूज किया जाता है। इस डिवाइस को साइड स्क्रीन के पास बॉलर की स्ट्रेट लाइन में लगाया जाता है, जिससे कि ये पिच की एक साइड से दूसरी साइड जाती हुई बॉल की स्पीड को मेजर कर सके। ये पिच की ओर रेडियो वेव्स भेजती है और फिर इन्हें रिसीव करके पिच के रिस्पेक्ट में इस पर मूव होने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कैलकुलेट कर लेती है। जैसे स्पीड मेजर करने के लिए हम डिस्टेंस इनटू टाइम करते हैं, वैसे ही पिच की लेंथ के हिसाब से रडार गन टाइम बता देती है कि कितने समय में बॉल बैट्समैन तक पहुंची है, और फिर डिस्टेंस इनटू टाइम करके स्पीड पता चल जाती है।
और इसे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से इंस्टेंटली स्क्रीन पर दिखा भी दिया जाता है। दोस्तों, जब कोई बैट्समैन LBW होता है तो आपने उसके रिप्लेस में बॉल के पाथ का एक 3D विजुअलाइजेशन देखा होगा। इसमें हमें क्लियरली समझ आता है कि बॉल बॉलर के हाथ से किस हाइट से निकली, कहां पर टिप खाई और कहां पर जाकर लग रही है। तो आखिर इस सब के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? ये कमाल हॉक आई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बॉल ट्रैकिंग का होता है। इसके लिए ग्राउंड के अलग अलग एरियाज में टोटल 6 कैमरा लगाए जाते हैं। ये कैमरा बॉल की ट्रेसिंग करके एक 3D विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि पैड पर लगी बॉल स्टंप से जाकर टकराएगी कि नहीं। ये आपको काफी सिंपल सी टेक्नोलॉजी लग रही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इसके लिए उन कैमरास को बॉलर के हाथ से छूटी बॉल की हर 1/100 सेकंड की लोकेशन को एग्जैक्ट ट्रैक करना होता है, तब जाकर हमें एक फेयर रिजल्ट मिल पाता है। वैसे अब तो बॉल में भी काफी एडवांस्ड फीचर्स आ चुके हैं। हाल ही में ऐसी बॉल्स रिलीज की गई हैं जिनके अंदर एक डिवाइस लगा हुआ होता है। ये डिवाइस बॉल की स्पीड से लेकर ग्रेविटी, बॉल की स्पिन का RPM और बॉल ट्रैकिंग सब बता देता है। हालांकि फिलहाल तक इसका यूज कुछ डोमेस्टिक मैचेस में ही किया गया है। दोस्तों, आपने स्टंप के पीछे से धोनी की आवाज तो अक्सर सुनी होगी। ये आवाज स्टंप माइक में कैप्चर होती है, पर ये धोनी भाई की आवाज सुनने के लिए नहीं लगाया जाता है। दरअसल बैट्समैन के पीछे मौजूद 3 स्टंप्स में से बीच वाले स्टंप में साउंड वेव कैप्चर करने के लिए कैमरा और माइक लगा हुआ होता है। ये कैमरा बैट्समैन के द्वारा लगाए गए शॉट को क्लोज से कैप्चर करता है, जिससे कभी बैट्समैन का एज लगा हो तो अंपायर को पता चल जाता है कि बॉल बैट से टकराई है या नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ होता है। तो दोस्तों, क्या आपको अभी स्टंप माइक का क्या यूज होता है आज पता चला? अब बात चली है स्टंप्स की, तो इसकी बेल्स भी आजकल काफी एडवांस्ड हो चुकी हैं। IPL में आपने LED वाली बेल्स तो देखी ही होंगी। आपको बता दूं कि इनके एक पेयर की कीमत 2 लाख रुपए होती है, लेकिन आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों, इन बेल्स के अंदर लगी LED को जलाने के लिए बैटरीज लगी हुई होती है। जैसे ही इन्हें थोड़ा सा हिलाया जाता है, वैसे ही ये LEDs जलने लगती है। इसके लिए इनके अंदर मोशन सेंसर्स लगे हुए होते हैं। अब बात करते हैं स्पाइडर कैमरा की। इसके दर्शन भी आपको ज्यादातर IPL मैचेस के दौरान ही होते हैं। स्पाइडर कैमरा क्रिकेट मैचों के कवरेज में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये व्यूअर्स को एक एंगुलर व्यू देता है, जिससे मैच काफी इंटरेस्टिंग भी दिखाई देता है। ये कैमरा ग्राउंड के चारों तरफ से वायर से अटैच रहता है और लाइव मैच के एरियल शॉट्स लेता है, और ये कैमरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ मूव हो जाता है, इसलिए हमें पूरा स्टेडियम एक बार में ही दिख जाता है। आखिर में बात करते हैं क्रिकेट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जो है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। इस साल IPL के दौरान प्रेजेंटर्स और कुछ रैंडम स्पेक्टेटर्स को VR हेडसेट्स दिए गए थे, जो क्रिकेट के खेल को बहुत क्लोज से एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज ने क्रिकेट के खेल को पहले से कहीं अधिक इंटरेस्टिंग और फेयर बनाया है। होपफुली आने वाले सालों में हमें क्रिकेट में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वैसे आपको इनमें से कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अब तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, तो जल्दी से क्लिक करके देखिए। जितना मर्जी आप कॉल करो, आपका रियल नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप कॉल कर सकती हो। जितनी बार भी आप कॉल करोगे ना, उसके पास एक नया नया नंबर जाएगा। और यदि वो ब्लॉक भी कर दिया है ना आपके नंबर को, फिर भी आप कॉल कर सकती हो प्राइवेट नंबर से दोस्तों, और बिल्कुल फ्री में आप बातें कर सकते हो। यदि इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, गूगल क्रोम में जाइए, सर्च कीजिए टेक न्यूज टॉप, ऊपर स्क्रीन पर स्पेलिंग दिया हूं, जो पहला वेबसाइट आए उसको ओपन करके सर्च बार में सर्च करेंगे, फ्री कॉल लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो एक पोस्ट आएगा, उसको ओपन करना है, नीचे जाना है, ब्लू कलर का बटन है, ऐप को यहीं से डाउनलोड करना है। ऐप को ओपन कीजिएगा, अलाउ दे दीजिएगा जो भी परमिशन माने, उसके बाद ऊपर में इंडिया कोड सेलेक्ट करके नंबर डायल करके बिल्कुल फ्री में आप किसी को भी प्राइवेट नंबर से कॉल कर सकते हो, आपका रियल नंबर नहीं जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिए।